तो वही अनिल सरीन बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के लिए, और साथ ही उनसे पूछेंगे किस तरह का इस बार चुनौती लग रही है बीजेपी को पंजाब में। अनिल सरीन जी बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या लगता है पंजाब में इस बार बीजेपी मारेगी बाजी? भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज जो है आने वाली सरकार बनाने वाले हैं। आज जिस तरह से पिछले 15-20 दिन में लोगों का भरपूर प्यार मिला है, समर्थन मिला है, और आज जिस तरह से भारी मतदान हो रहा है, हमारे जो पोलिंग बूथ्स लगे हुए हैं, पोलिंग बूथ के बाहर हमारे जो लगे हुए हैं उनसे जो आ रही है, तो उससे ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। जी अनिल सरीन जी, इस बार बहुगुणीय मुकाबला यहाँ पर पंजाब में देखने को मिल रहा है, तमाम पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है मतदाताओं के लिए कितना मुश्किल होने वाला है यहाँ पर? देखिए, इस समय पंजाब की जनता के लिए जो विशेष है वो है कि किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त सरकार बने, क्योंकि पिछले 5 साल में और जिस तरह से ड्रग माफिया, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, नशा माफिया ने काम किया है, और लोग ऐसे महसूस करते हैं जो वादे किए थे, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे आप हो और चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने इस बार फिर लोगों से इस तरह के वादे किए जो कभी पूरे किए ही नहीं जा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो जितने हमने संकल्प लिया, हमने वादे नहीं किए, हमने संकल्प लिया है, और जितने संकल्प लिए हैं वो हम पूरे कर सकते हैं, वही संकल्प लिए हैं। पर अनिल सरीन जी, यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में जो नशा व्यापार की जिस तरह से बात यहाँ पर की जा रही है वो चरम पर था। इस तरह के नशा माफिया बड़े एक्टिव थे, रेत माफिया की जहां बात की जाए तो वो भी एक्टिव थे, तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए फिर इसकी वजह से चुनौती कड़ी हो सकती है? नहीं देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे अभी चन्नी साहब को ही ले ले, तो अब एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में है वो, क्योंकि एक रिमोट कंट्रोल के साथ दिल्ली से सरकार चलती है, और जैसे कैप्टन साहब ने खुद बताया कि मैंने एक बार नहीं अनेक बार जाकर सोनिया गांधी जी को उनके मंत्रिमंडल में जो अभी चन्नी साहब भी हैं और उनके और दूसरे साथी हैं उनके बारे में बताया किस तरह से वो रेता माफिया में लिप्त हैं या ट्रांसपोर्ट माफिया में लिप्त है, तो लेकिन सोनिया जी ने उन्हें कोई काम इजाजत नहीं दी कि उनको छंटी किया जाए या उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। सो इसलिए कांग्रेस पूरी तरह इस बात के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि आपने कहा कि पार्टियां कहीं और से कंट्रोल हो रही हैं, डमी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो फिर क्या बीजेपी के राज में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा कि सत्ता जो संभालने वाला तो पंजाब में होगा लेकिन तार उसके कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े होंगे? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतांत्रिक अधिकार से काम करती है और वहां के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का काम चलाते हैं। हमारी पार्टी में किसी के हाथ में रिमोट नहीं है। आपने देखा होगा हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, 3 साल बाद उनका बदल होता है। यहाँ तो एक ही परिवार का राज चलता है और सालों साल चलता है, और दूसरा कोई उसको पार्टी को लीड करने के लिए आ नहीं सकता। आपने देखा अभी पिछले लगभग 1.5 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का पद खाली पड़ा है, लेकिन क्योंकि परिवार से बाहर नहीं जाना सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो इसलिए जो है और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी राहुल गांधी की नहीं हो रही है कांग्रेस में, इसलिए वो अभी केयर टेकर के तौर के ऊपर सोनिया गांधी जी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो जिस राष्ट्रीय पार्टी के पास अध्यक्ष बनाने के लिए चेहरा नहीं है, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे क्या डिलीवर करेगी? पर अनिल सरीन जी, यहाँ पे किसान फैक्टर भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन यहाँ पर किसानों का देखने को मिला है, करीब 1 साल तक जो आंदोलन चला और अभी भी कुछ शर्तों को लेकर अभी भी किसान अड़िग हैं कि अगर वो नहीं पूरी हो जाती एमएसपी की बात कोई अगर ले ले तो दोबारा से भी आंदोलन की स्थिति हो सकती है, तो क्या लगता है कि बीजेपी से खफा है किसान, मना पाएगी बीजेपी? नहीं, ये बहुत बड़ी एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी हमारे विरोधियों द्वारा। जहां तक किसानों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी और किसान हितैषी पार्टी है, और हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे 6,000 रुपया हर वर्ष जो है उनके बीज वगैरह खरीदने के लिए अतिरिक्त सहायता दी हो, चाहे पंजाब में बहुत यूरिया की बहुत बड़ी समस्या होती थी, हमने नीम कोटेड यूरिया देकर उनको लाइनों से और यहाँ तक होता था कि लाखियां चलती थी उनसे मुक्त कराया,
जितनी उनकी फसल होती है सब सारी की सारी फसल जो है एमएसपी पर उठाई जाती है, चाहे वो कनक हो चाहे चावल हो, तो किसान की समस्या नहीं थी, ये राजनीतिक पार्टियों का था कि वो भारतीय जनता पार्टी जब गांव में जाती थी तो उनको परेशानी हो रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में काबिज होगी तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और अभी आपने देखा होगा, हमने पहले भी कहा था, अभी चुनावी चुनौती मानते हैं, मैं आप ही का बता रहा हूँ, मैं हमने पहले दिन कहा था कि ये जो किसान आंदोलन है ये पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है, 2022 के चुनावों के संदर्भ में ये जो है आंदोलन खींचा जा रहा है। वो हमारी बात साबित हो गई जब किसान मोर्चा के अधिकतर जो नेता हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये अगर अगर वो किसान हितैषी होते किसानों के इशू पर करते, उनका राजनीतिक मंतव्य था और लोगों को गुमराह करके वो एक साल बॉर्डर पर बिठाया, इसलिए अब किसान उनसे नाराज हैं कि आपने हमें गुमराह कर हमें हमारे एक साल जो है बर्बाद किया और हमें सड़कों पर बिठाया। तो किसान जो है वो और वो समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो उनके हित में काम करती है, और इसलिए भारी मतों से इस बार पंजाब में किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दे, अनिल सरीन जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, जो कि कह रहे थे कि किसानों का प्यार भी इस बार भाजपा के ही पाले में आएगा और किसानों के बीच भ्रम की स्थिति यहां पर विपक्षों ने फैलाने की कोशिश की है। हालांकि नतीजे सामने आने में अभी समय है और नतीजे ही ये साफ कर पाएंगे कि आखिर पंजाब की जनता में उनके दिलों में आखिर कौन सी पार्टी ने घर बनाया है और इस बार जो जनता है उसने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। अब पंजाब चुनाव जारी है, लगातार मतदान हो रहे हैं, इसी बीच हम रुक करेंगे प्रत्याशियों की सूची की ओर। और अब भी जो सीट सामने आ रही है तो आपको बता दें कि भोलत सीट यहां पर जिस पर चर्चा करेंगे कि पंजाब की भोलत विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी इस बार मैदान में है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुखपाल सिंह खेरा चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी की तरफ से रंजीत सिंह राणा मैदान में है और अकाली दल की तरफ से यहां पर बीबी जागीर कौर को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की तरफ से अमनदीप सिंह गौरव गिल पीएलसी और बीजेपी की तरफ से यहां पर पंजाब की भोलत विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है सुखपाल सिंह खेरा कांग्रेस की तरफ से, रणजीत सिंह राणा आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीबी जागीर कौर अकाली दल की तरफ से और अमनदीप सिंह गौरा गिल पीएलसी बीजेपी की तरफ से चुनावी रण का हिस्सा इस बार बने हैं। पंजाब की बोलो सीट आपको दिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच हम ले चलेंगे आपको एक और नेता की बात सुनने के लिए। हमारे पास अतुल जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पर आपका। मैं भी चाहूंगी अनूप पांडे जी, अनूप पांडे बोल रहा हूं, जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अनूप जी, चुनाव जारी है और आरोपों का सिलसिला थम गया, प्रचार का सिलसिला थम गया, लेकिन अब जनता के हाथ में जो है मतदान का अधिकार है और वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, क्या लगता है आम आदमी पार्टी के लिए सुनहरा मौका आ सकती है इस बार? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को तो लोगों ने पहले ही हरी झंडी दे दी है कि यहाँ सरकार बनने वाली है, क्योंकि बहुत सालों से वहां पर चेंज नहीं हो रहा था, कभी अकाली दल कभी कांग्रेस, अकाली दल कांग्रेस, और इन लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया वहां। अब वहां की जनता को समझ में आ गया है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, जब तक केजरीवाल मॉडल यहाँ नहीं लागू होगा, तब तक पंजाब के अंदर जो पढ़ाई है लिखाई है दवाई है और जो विकास का जो मुख्य वो होना बिंदु होना चाहिए वो नहीं आएगा। इन लोगों ने काफी प्रयास किया, केजरीवाल जी को रोकने के लिए, भगवंत मान जी को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, इन लोगों ने ऐसा घिनौना प्रयास किया मिलकर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के ऐसा एक माहौल बना, क्योंकि कांग्रेस जो है बिल्कुल तिलमिला गई है कि सत्ता उसके हाथ से जा रही है और भाजपा घबरा गई है। भाजपा को यह है कि आम आदमी पार्टी अगर वहां आ गई तो समझ लीजिए कि दिल्ली की भी इनकी कुर्सी गई, नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी गई, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनेगी पूरे भारतवर्ष के अंदर जनता में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पराजित होने शुरू हो जाएगी, तो भाजपा को ये डर है। पर अनूप पांडे जी, ये भी कहा जा रहा है इस बार आरोप ये भी सामने आ रहे हैं कि जो पार्टी होती है उसके मुख्यमंत्री एक डमी मुख्यमंत्री के लिए बैठा रहता है पंजाब में, तार जो होते हैं दिल्ली से होते हैं, पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लिए भी बोला जा रहा है कि भले ही भगवंत मान को चेहरा बनाया गया लेकिन कमान जो है केजरीवाल संभालेंगे।
देखिए पिछली बार भी भाजपा और कांग्रेस मिलकर के धोखा दिया, मिल गया, नहीं तो पिछली बार ही आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी। इन लोगों ने हल्ला उड़ा दिया, इन लोगों ने कर दिया कि केजरीवाल जी वहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये जो पीछे की जो सियासत है, जो जो बिशारत बिछा करके आम आदमी पार्टी को जो रोकने की कोशिश है, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि देश जानता है। मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, पूरे देश की बात करता हूं, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि है वो गांधी जी और अंबेडकर जी के सपना को पूरा करने वाली है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने को पूरा करना चाहती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अगर नहीं देश में आएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो छत्रप हैं, जैसे परिवार की पार्टियां जन्म ले रही हैं, वहां पे परिवार की पार्टी लड़ रही है, पंजाब में भी लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में भी कई पार्टियां परिवार की लड़ रही है, महाराष्ट्र में भी लड़ रही है। इसको आप पंजाब के चुनाव को सिर्फ पंजाब से मत देखिए, पंजाब के चुनाव को पूरे हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का अगर परचम लहरा गया तो समझ लीजिए कि पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ पाएगी। कांग्रेस से लोग जीत के चुनाव जाते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसका उदाहरण चंडीगढ़ है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश है, इसका उदाहरण गोवा है। तो लोग जानते हैं कि कांग्रेस लड़ने लायक नहीं है, कांग्रेस सिकुड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो झूठी पार्टी है, जो झूठे वादे करते करते 7 साल नरेंद्र मोदी ने निकाल दिया और तमाम झूठे वादे करते करते पूरे देश की जनता उठ गई है, उससे निजात आम आदमी पार्टी ही दिला पाएगी। भगवान मान का जब नाम का ऐलान हुआ तो उनके नाम को लेकर भी कई आरोप सामने आए और कई तरह की बातें कहने लगे कि सही प्रत्याशी नहीं चुना आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कई वीडियोस भी उनके वायरल हुए जिसमें वो नशे की हालत। देखिए क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा पार्टी है, ये पता ना किसका वीडियो वायरल कर देगी और क्या कर डालेगी। ये भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा गलत और घिनौना काम किया, पैसा चला करके पूरे लोगों का रिकॉर्डिंग कराती है। ये अमित शाह जी जो एक जमाने में लोग फरार थे, एक जमाने में इनकी छवि कैसी थी, आज वो पूरे देश को नचा रहे हैं, ईडी सीबीआई। अब देखिए कुमार विश्वास 50,000-1,00,000 रुपया लेके किसी मंच पर कविता पाठ करने वाला अगर किसी व्यक्ति के विषय में कुछ आपत्तिजनक आरोप लगाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको प्रोत्साहित करके उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे देती है। पर आरोप तो लगेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ताली बजाती है। पर अनूप जी कुमार विश्वास जिस तरह के अचानक से वो पार्टी के सामने आए हैं और इस तरह से कई सवाल आया तो मेढक आ गया, बारिश अभी हुई नहीं कि मेढक तक 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 जान रहे हैं, और वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से उनकी वाइफ को तमाम तगमा मिला है, और बीजेपी और कांग्रेस वहां मिल गई है क्योंकि बीजेपी प्रोत्साहित कर रही है और कांग्रेस विश्वास ने तो कहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी पार्टी जीते। उन्होंने जो कहा वो उनके दिल की बात थी जो उन्होंने महसूस किया। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक साधारण नागरिक है, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की कुछ बोल सकता है, तो उससे क्या होता है। मतलब अगर 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 कुमार विश्वास जी बोल दिए तो, और बोले 4 साल बाद, अभी तक याद नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये धोखेबाज आदमी है, ये देशद्रोही आदमी है, इनको जेल में डालना चाहिए। अभी तक आप बात छुपा के क्यों रखे हैं भाई, इतनी बड़ी घटना आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। ये धोखेबाज, ये चंगेबाज, ये तीसरी ताल के लोग हैं। पांडे जी क्या वजह लग रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ जब पार्टी शुरू हुई थी उस दौरान के जो मित्र थे, जो पार्टी के सहायक थे, पार्टी से अलग होते ही पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। कपिल भी इससे पहले पार्टी से अलग हुए, उन्होंने कटाक्ष करने शुरू किए, और भी कई ऐसे नाम हैं। ये आपकी महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने मित्रों के ही नुकसान में लग जाता है। ये कुमार विश्वास जी क्या है भाई, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति, अति महत्वाकांक्षा का ये लोग जो है पार्टी छोड़े। अब जब पार्टी बढ़ने लगी तो इनको देख करके पेट में दर्द होने लगा, तो इनके कंधे पे रख के कांग्रेस बंदूक चला रही है और भाजपा इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रही है। अरे कौन से देश से इनको, कौन से आतंकवादी संगठन से इनको धमकी मिली है, कौन पूछ रहा है इनको, कौन इनको जा रहा है वायु श्रेणी की सुरक्षा। कंगना रनौत कोई लेना देना नहीं है, छोटी सी कलाकार, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार बनाने में हार गई तो कंगना रनौत को खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब कि ये शिखंडियों को खड़ा करके ये हराना चाहते हैं। आम जनता की आवाज, आम जनता की आवाज है आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर, और पूरे देश में हाहाकार मचा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, काश आम आदमी पार्टी की
जल्दी सरकार वहां होंगे, जल्दी बने ताकि पूरे देश के अंदर आम आदमी की लहर हो और आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर कायम हो ताकि जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो। अब सब बिजली की बात करने लगे, कौन बिजली की बात करता था बुनियादी से, अब सब जनता की बात करने लगे, मुद्दों की बात सिर्फ आम आदमी करती है। जरूर हम भी यही चाहेंगे कि जनता इस बार भर भर के वोट दे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट किए जाए ताकि एक बेहतरीन पार्टी इस बार सत्ता में आ सके। अनुप पांडे जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सारे दर्शकों को प्रार्थना करके हाथ जोड़ता हूँ कि कृपया गांधी जी, अम्बेडकर जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का सपना पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें, खूब मतदान करें, बाहर निकलें और सोच समझ के मतदान करें ताकि एक बेहतर विकल्प आए। वही मजेठिया ग्रुप, वही कांग्रेस का चन्नी ग्रुप, वही सिद्धू ग्रुप, वही सोनिया गांधी, वही प्रियंका का, देश में ही यही लोग काम करेंगे। ये पर्यटन करने निकलते हैं, चुनाव इनका पर्यटन स्थल होता है, जाते हैं, हाथ हिलाते हैं किराए के भाड़े के लोगों की इकट्ठा करके। ये देश इससे विकास नहीं कर पाएगा। देश तभी बेहतर विकास कर पाएगा जब नए लोग आएंगे, परेशानियों को हटाएंगे, जनता के आंसू पोछेंगे। आज जनता की शिकन है, जनता रो रही है। ये नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहां पहुंचा दिया? ये कांग्रेस ने तो समझिए कि दीमा के तरीके से देश को चाट दिया। कांग्रेस ने दे दिया, बीजेपी के हवाले देश को कर दिया और बीजेपी देश के जनता के साथ व्यापार कर रही है, सड़क पर रही है, टैक्स ले रही है, ट्रेन का भाड़ा महंगा कर दे रही है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दे रही है, खाने के सामान महंगा कर दे रही है। ये इसलिए नरेंद्र मोदी को लोग नहीं लाए थे, नरेंद्र मोदी को लाए थे चेंज के लिए, गुजरात मॉडल। और ये कैसा गुजरात मॉडल है जो देश बेच रहा है? ये कैसा गुजरात मॉडल है जो आम आदमी पार्टी फॉलो करती है? फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री कर देने से क्या विकास हो पाएगा? बुनियादी है, देखिए बुनियादी है। नरेंद्र मोदी जी को क्या मिलता है? फ्री मिलता है कि नहीं मिलता? चलिए समय की कमी, अनुप जी वापस जाऊंगी आपको, यहाँ पर रोक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुप पांडे जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि पंजाब में लगातार मतदान जारी है, सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार उनकी सरकार सत्ता में आएगी, लेकिन जनता को फैसला करना है कि आखिर उन्हें बेहतर विकल्प के तौर पर पंजाब में इस बार किसकी सरकार चाहिए, जिसके लिए मतदान करना सबसे अहम हो जाता है। इसलिए ये अपील की जा रही है कि जरूर जाएं मतदान केंद्रों पर और वोट जरूर करें। पंजाब में लगातार मतदान जारी है और इसी के साथ ही अब रुक आगे करेंगे, बढ़ाएंगे और पंजाब की बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों की सूची पर नजर डालेंगे। सीट है बाबा बकाला सीट, तो बाबा बकाला सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में आपको दिखा दें। संतोष सिंह भलाईपुर कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, दलबीर सिंह टोंग आम आदमी पार्टी की तरफ से, बलजीत सिंह जलाल सुमा अकाली दल की तरफ से मैदान में है, मनजीत सिंह मन्ना बीजेपी की तरफ से पंजाब की बाबा बकाला विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। और अब रुक करेंगे खंडूर साहिब सीट की ओर। खंडूर साहिब सीट से कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में है, सबसे अहम सीट इस बार की मानी जा रही है। खंडूर साहिब सीट से प्रत्याशियों की सूची में नजर डालेंगे। रमनजीत सिंह सिक्की कांग्रेस पार्टी की तरफ से खंडूर साहिब विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सीट पर कोई प्रत्याशी, कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। अकाली दल की तरफ से रणजीत सिंह ब्रहपुरा इस बार मैदान में है और बीजेपी ने भी इस पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। रुक करेंगे पंजाब की पट्टी सीट की ओर। तो पट्टी विधानसभा सीट से चुनावी प्रत्याशियों के बारे में आपको बता दें कि पट्टी विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए उनका नाम है हरमिंदर सिंह गिल। कांग्रेस की तरफ से हरमिंदर सिंह गिल चुनावी मैदान में हैं। लालजीत सिंह भुल्लर आम आदमी पार्टी की तरफ से, आदेश प्रताप कैरो अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में है, जसकरण सिंह संधु पीएलसी और बीजेपी की तरफ से पंजाब की पट्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब रुक करेंगे खेमकरण सीट की ओर। पंजाब की खेमकरण सीट से चुनावी मैदान में कौन से प्रत्याशी आपको दिखा दें कि खेमकरण सीट से कांग्रेस ने इस बार चुनावी रण में उतारा है सुखपाल सिंह भुल्लर को। स्वर्ण सिंह धुन आम आदमी पार्टी की तरफ से, बिरसा सिंह वलचोहा को जो है अकाली दल की तरफ से उतारा गया है, बीजेपी की तरफ से दलजीत सिंह गिल संयुक्त अकाली दल और बीजेपी की तरफ से यहां पर प्रत्याशी उतारे गए। और इसके साथ ही खेमकरण विधानसभा सीट चुनाव के प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। कांग्रेस की तरफ से सुखपाल सिंह बुल्लर चुनावी मैदान में है, स्वर्ण सिंह धून आम आदमी पार्टी की तरफ से, बिरसा सिंह
बल चोहा अकाली दल की तरफ से मैदान में हैं, दलजीत सिंह गिल संयुक्त अकाली और बीजेपी की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें तरन तारण सीट की तो पंजाब की तरन तारण विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में, आपको दिखा दें कि तरन तारण सीट से इस बार डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। कश्मीर सिंह सोहल आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। हरमीत सिंह संधु अकाली दल की तरफ से और नवरीत सिंह शफीपुरा भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। पंजाब की तरन तारण विधानसभा सीट अहम सीट मानी जाती है। पंजाब की तरन तारण विधानसभा सीट डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री कांग्रेस की तरफ से, कश्मीर सिंह सोहल आम आदमी पार्टी की तरफ से, हरमीत सिंह संधू अकाली दल और नवरीत सिंह शफीपुरा भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। पंजाब की एक और अहम सीट की यहां पर हम बात करेंगे, अटारी सीट। तो अटारी सीट के प्रत्याशियों पर नजर डालेंगे। अटारी सीट से इस बार प्रत्याशी खड़े हैं तरसेम सिंह सोलका जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं, एडीसी जसविंदर सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, गुलजार सिंह रणीके अकाली दल की तरफ से और बलविंदर कौर बीजेपी की तरफ से अटारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तरसेम सिंह सेलका कांग्रेस की तरफ से इस बार अटारी विधानसभा सीट से, आम आदमी पार्टी की तरफ से एडीसी जसविंदर सिंह, गुलजार सिंह रणीके अकाली दल की तरफ से और बलविंदर कौर भाजपा की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में। और अब बात करेंगे अमृतसर दक्षिण की सीट पर। तो अमृतसर दक्षिण विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है, आपको दिखा दें, इंद्रबीर सिंह बुलारिया कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। डॉक्टर इंद्रबीर निज्जर आम आदमी पार्टी की तरफ से, तलबीर सिंह गिल अकाली दल की तरफ से, हरजिंदर सिंह ठेकेदार पीएलसी और बीजेपी की तरफ से अमृतसर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रुक करेंगे अमृतसर पूर्व की तरफ। तो अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में, आपको बता दें कि अमृतसर पूर्व में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जीवन ज्योत कौर चुनावी मैदान में है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अकाली दल की तरफ से टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए। पंजाब की बहुचर्चित सीट अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट जिस पर कांग्रेस ने उतारा है अपने तेज तरार नेता नवजोत सिंह सिद्धू को और इसी के साथ ही उन्हें टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से जीवन ज्योत कौर को मैदान में खड़ा किया और बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अकाली दल की तरफ से चुनावी रण में है और नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से यहां पर डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू को चुनावी मैदान में उतारा गया। और अब बात करें अमृतसर की मध्य सीट के बारे में। तो मध्य की तरफ से अमृतसर में कौन से विधानसभा प्रत्याशी को उतारा गया है, दिखा दें आपको कि हम पंजाब में अमृतसर मध्य विधानसभा सीट से ओम प्रकाश सोनी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है यहां पर और अपनी दावेदारी इस सीट पर पेश करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से अजय गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दलबीर कौर बसपा और अकाली दल की तरफ से यहां मैदान में है। डॉक्टर राम चावला बीजेपी की तरफ से अमृतसर मध्य विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करेंगे अमृतसर की पश्चिम विधानसभा सीट के बारे में। तो अमृतसर पश्चिम विधानसभा सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें कि अमृतसर पश्चिम में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों को यहां पर खड़ा किया गया है और दावेदारी पेश करने के लिए राजकुमार बेरका को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर जसबीर सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है और डॉक्टर दलबीर सिंह बेरका अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में है। कुमार अमित वाल्मीकि बीजेपी की तरफ से अमृतसर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की बहुचर्चित सीट अमृतसर और अब स्वराज सिंह किसान नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। स्वराज जी बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद सर। पहली बार आपकी पार्टी किसान की एक पार्टी जो है चुनाव में रणनीति करती नजर आएगी, राजनीति करती दिखेगी, कैसा लग रहा है?
देखो मेरी बात सुनो, भारतीय किसानी लोक समिति तो संपूर्ण रूप से राजनीतिक है। किसी ने आंदोलन से हट करके किसान नेता ने राजनीतिक पढ़ाई है तो वो उसका पर्सनल बिहेवियर, लेकिन किसान जो केंद्र में सरकार है इससे नाराज है, क्योंकि 700 किसानों की सहायता देने के बाद और जिन वादों को सरकार ने किया वादों को पूरा नहीं किया, जिन वादों को करके आंदोलन हटाया था उससे सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। उस पर वशिराज जी क्या वजह लगी आपको कि किसानों ने एक अलग से ही अपनी पार्टी बनाई है और अब इस बार चुनाव लड़ने जा रही है पार्टी, और मतदाताओं की तरफ से किस तरह का सपोर्ट की उम्मीद की जा रही है? मेरा मानना यह है कि जिसने अपनी पार्टी बनाई है, पहले किसान पार्टी थी और राजनीतिक पार्टी बनाई है, तो मैं उसको समर्थन नहीं करता हूँ किसी भी कीमत पर। जो अराजनीतिक है उसको अराजनीतिक ही रहना चाहिए। हालांकि स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, वो अपने पर्पज से लड़े, संयुक्त मोर्चाओं मदद नहीं करेगा। तो किस क्या कुछ मुद्दे इस बार उठाए गए हैं आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि किसान आंदोलन दुनिया ने देखा बल्कि, और किसानों की जो भूमिका उसने रही प्रमुखता के साथ, हालांकि कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, वापस भी ले लिए गए कृषि कानून, लेकिन इसके बावजूद पार्टी बनाई गई, तो क्या लगता है क्या वजह रही मुख्य तौर पर? नहीं, एक तो MSP पे सरकार ने जो कमेटी गठित करने की बात थी उस पर नहीं हुई, जो किसान मुकदमे वापस लेने थे उस पर कुछ नहीं हुआ, जिन वादों को लेकर के आंदोलन वापस किया गया उस पर सरकार ने अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। बस किसान शहादत हुए उनके लिए भी सरकार ने कोई बात नहीं, तो इसलिए किसान सत्तारूढ़ पार्टी जो कि केंद्र में बैठी है उससे नाराज है ज्यादातर ये है। शिवराज जी, क्या आपको लगता है कि राजनीति के लिए आपकी पार्टी तैयार है? अगर पार्टी को जनता का प्यार मिलता है, वोट मिलते हैं और पार्टी जीत जाती है, तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा? तो वोट डालने के लिए मतदाता स्वतंत्र है, जिसका जहां मन करेगा वहां वोट डालेगा, लेकिन किसानों का गुस्सा केंद्र में बैठी हुई सत्तारूढ़ पार्टी को झेलना पड़ेगा जी। और इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए तो किस तरीके का जो प्यार है जनता का मिल रहा है, जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी के पहुंचे हैं जनता के बीच, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला है? मुझे इस विषय में जानकारी नहीं, ना चुनाव देखे हैं। जी स्वराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें पंजाब में इस बार किसान अपनी एक पार्टी लेकर आए हैं, चढ़ूनी साहब ने पार्टी लॉन्च की और इसके बाद तमाम जो है उम्मीदें लगाई जा रही है इस पार्टी से और तमाम बातें भी निकलकर सामने आई पार्टी को लेकर, लेकिन देखना भी होगा कि आखिर जनता के बीच ये पार्टी कितनी जगह अपनी बना पाई है। और पंजाब में आखिर माहौल इस वक्त काफी गर्मा गया है, बहुकोणीय चुनाव यहां पर देखने को मिल रहा है, तमाम पार्टियां इस बार कई वादों और दावों के साथ जनता के बीच उतरी हैं। हालांकि अब मतदान किए जा रहे हैं और फैसला इस वक्त जनता को करना है, प्रचार थम चुका है, पंजाब में मतदान जारी है, जनता इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है और मतदान किए जा रहे हैं।